अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को फेयर करेगी, ग्लो देगी एंड ग्लास स्किन बनाएगी। इसके अलावा आपके फेशियल हेयर रिमूव भी करेगी। ये एक होम मेड उबटन है जिसकी रेसिपी मैं आपसे इधर शेयर करूँगी। हमें उबटन बनाने के लिए जिन चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो है रोज पैटर्न पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, हल्दी, बेसन और मुल्तानी मिट्टी। इसके अलावा हमें चाहिए दूध और रोज़ वाटर। इसको बनाने का और इसकी क्वांटिटी मैं आपको यहाँ बताऊंगी। एक खाली बॉल लेना है, उस बॉल में एक चम्मच हम मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, एक चम्मच हम बेसन डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ हल्दी डालेंगे, एक चम्मच हम रोज पैटर्न पाउडर डालेंगे और एक ही चम्मच हम ऑरेंज पील पाउडर डालेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मिल्क को स्किप करके आप रोज वाटर डाल सकते हैं, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या आपकी स्किन ड्राई है तो आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। या यहाँ मैं रोज वाटर का इस्तेमाल करूंगी। इसे हमें अच्छे से आइसकर का मिक्स करना है और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी फॉर्म में ले आना है। ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ आपको इस तरह दिखेगा। ये बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए। और इसका आप दिन में अप्लाई कर सकते हैं, आप नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीकेकार ये है कि आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और जब वो ड्राई होने लगेगा तो आप इसे रोज वाटर के स्प्रे करके हल्के हाथों से मसाज देके रिमूव कर लेंगे। मैं यहाँ आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने इसे अप्लाई कर लेना है, इस तरह आपने अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब यहाँ ये ड्राई हो चुका है, इसे लगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं रोज वाटर की हेल्प से हल्के हाथों से मसाज देते हुए रिमूव करूँगी। हमें रोज वाटर इस पर लगाना है। रोज वाटर लगाने के बाद इसे हम हल्के हाथों से मसाज देंगे और मसाज दे के हमें इसे रिमूव कर देना है। सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करेंगे और इसे हम इसे रिमूव कर लेंगे टिश्यू की हेल्प से। इसे हमें टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर लेना है। आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने टिश्यू ही इस्तेमाल करना है, या आपने रोज वाटर के साथ जब आप मसाज कर रहे होंगे तो उसके बाद मसाज करके आपने इसे रिमूव कर लेना है। आप इसे सिंपल टैप वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद इसका इस तरह का रिजल्ट आया है, ये आप देख सकते हैं। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और आपकी स्किन पे रेडनेस, छाइयाँ, दाग धब्बे दूर होंगे, आपके एक्ने ख़त्म होगी। इसके अलावा आपके फेशियल हेयर भी रिमूव होंगे। ग्लोइंग और ग्लास स्किन के लिए बेहतरीन होम रेमेडी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा उबटन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
आप इसे फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे फेस पे अप्लाई करें, नेक पे अप्लाई करें और अपने हाथों और पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करेगी, ग्लो देगी। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।